नोएडा के फेज टू पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक बदमाश महिला सवारी को ऑटो में बिठाकर छेड़छाड़ करने और दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोप में फरार चल रहा था। उत्तर प्रदेश के नोएडा कमिश्नरेट पुलिस और ऑटो चालक के बीच दिन निकलते ही मुठभेड़ हो गई। पुलिस की लगी गोली से ऑटो बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने ऑटो चालक को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ऑटो चालक साइको किस्म का बदमाश है। चालक अकेले महिला सवारियों को देखकर ऑटो में बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाता था और उनसे दुष्कर्म करने का प्रयास करता था। इसके खिलाफ पूर्व में जनपद में विभिन्न थानों में सिर्फ महिलाओं से जुड़े अलग अलग धाराओं में 6 से ज्यादा केस दर्ज है। आरोपी के कब्जे से एक ऑटो, एक तमंचा, 315 बोर एक खोखा कारतूस, 315 बोर एक जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक थाना फेस टू पुलिस रोजाना की तरह शनिवार को भी रूटीन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कुलेसरा की तरफ आ रहे ऑटो को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को शक होने पर ऑटो चालक का पीछा किया गया। ऑटो मेन रोड से फूल मंडी सर्विस रोड से भागने लगा। आगे जाकर मोड़ पर ऑटो पुलिया से टकरा गया। इसके बाद ऑटो चालक पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। थाना प्रभारी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में बदमाश कुलदीप उर्फ सोनू के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। थाना पुलिस टीम के द्वारा सुबह चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ऑटो पुलिस के पास से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका और पुलिस टीम पर जान से मारने के लिए से फायरिंग करने लगा। अपरचात पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम कुलदीप और सोनू बताया, जो मूलतः कन्नौज का रहने वाला है और वर्तमान में इको टेक थर्ड थाना क्षेत्र के अंतर्गत निवास कर रहा है। उसको उपचार हेतु नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसके विरुद्ध कई अभियोग पंजीकृत हैं। यह ऑटो चलाता है और जब ऑटो में कोई महिला अकेली रह जाती है तो उसको सुनसान एरिया में ले जाकर के उसके साथ अश्लील हरकतें इत्यादि करता है। पुलिस का कहना है कि बीते 21 अगस्त को पीड़िता के छोटे भाई ने थाने फेज टू में घटना के 5 दिन बाद शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी बहन सूरजपुर से भंगेल स्थित अपने घर ऑटो रिक्शा में सवार होकर 16 अगस्त को आ रही थी। रास्ते में अन्य सवारियां उतर गई और युवती अकेली रह गई। ऑटो चालक सीएनजी भरवाने के बहाने ऑटो सेक्टर 88 में सुनसान स्थान पर ले गया और उसके बहन के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। आरोपी की हरकत को देख युवती डर गई। उन्होंने बताया कि युवती को शोर मचाता देख वहां से गुजर रहे लोग भागकर उसकी मदद के लिए पहुंच गए। इसी बीच ऑटो चालक ने युवती को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और मौके से भाग गया। आरोपी जनपद कन्नौज का रहने वाला है। उसकी उम्र 26 वर्ष है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि वो महिला सवारी को ऑटो में बैठाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर उनके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने का प्रयास करता था। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि वो अकेली महिला को देखकर अपने होश खो बैठता है। अपने हवस को मिटाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता था। ऑटो चालक एक साइको किस्म का आरोपी है। शिव त्यागी, टोटल टीवी न्यूज, नोएडा।